हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीचर्स के लिए वैकेंसीज। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आज 29 सितंबर 2021 को ही आया, और इस नोटिफिकेशन में हेरिटेज गर्ल्स स्कूल के लिए टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में। ये स्कूल उदयपुर में है, और यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि इस स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो कैम्ब्रिज और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए है। और सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं जिनके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ होम साइंस और फिफ्थ आर्ट्स। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्कूल को रेजिडेंशियल स्टाफ चाहिए, मतलब वो स्टाफ जो कि स्कूल कैंपस में ही स्टे करे। और सेकेंड वन, यहाँ पे लेडीज कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि ये जो स्कूल है ये कम्प्लीटली गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये टीचर्स के रिक्वायरमेंट के अलावा यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। लेडी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, और जो क्वालिफिकेशन है वो MBBS होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पर दे रखा है मार्केटिंग मैनेजर एडमिशन काउंसलर, इस पोजिशन पर भी कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड यहाँ पे दे रखा है नॉन टीचिंग में HR मैनेजर और साइकोलॉजिकल काउंसलर, फोर्थ कैरियर काउंसलर और फिफ्थ नर्स। तो यहाँ पर ये 5 डिफरेंट नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में स्कूल ने अपना ईमेल आईडी मेंशन किया जो कि है info@heritagegirlsschool.com। तो इस ईमेल आईडी पर आप अपना CV भेजकर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है, जैसे कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितने इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो अपने क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। ये दो कॉन्टेक्ट नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं इन पे कॉन्टेक्ट कर। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए इस नोटिफिकेशन में कोई भी सैलरी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। लेकिन अगर हम इस स्कूल की वेबसाइट को थोड़ा सर्च करते हैं तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस स्कूल में जो भी सिलेक्ट होगा उसको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी, और साथ में हो सकता है कि फूड और एकोमोडेशन फैसिलिटी भी मिल सके। तो यहाँ पर इस स्कूल की मैं वेबसाइट को ओपन करके स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देखने जा रहा हूँ, और जहाँ से मैं समझने आएगा कि इस स्कूल का क्या फीस स्ट्रक्चर है और उसके अकॉर्डिंग के टीचर्स को कितना सैलरी यहाँ पर पे कर सकते। तो यहाँ पर मैंने इस स्कूल का वेबसाइट ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं इसका फीस स्ट्रक्चर देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर CBSE और कैम्ब्रिज के लिए हेरिटेज गर्ल्स स्कूल का 21-22 सेशन के लिए दिया गया, और दे सकते हैं कि यहाँ पे जो फीस है वो 4,30,000 रुपीज दी गई है। और जिस स्कूल का फीस स्टूडेंट्स के लिए 4,30,000 इतना हाई है, तो हम समझ सकते हैं कि स्कूल जो टीचर्स है वो भी बेस्ट को अपॉइंट करे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हैंडसम सैलरी भी टीचर्स को मिलेगी। इसके बाद बात करें इस स्कूल का कैंपस किस तरीके का है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्कूल को डेवलप और मेंटेन किया गया और एक अच्छा कैंपस यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल के कैंपस की कुछ फोटोज दी गई है स्कूल की वेबसाइट पर। ये स्कूल लेक साइड पर है, तो एक अलग ही इसका ग्रीन एटमॉस्फेयर है इसके आसपास का। और ये स्कूल के यहाँ पे कुछ फोटोज थे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करें और इंटरव्यू को क्लियर करके इस स्कूल में एक अपनी जॉब को फिक्स करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू।